अवैध तरीके से अर्जित धन का उपयोग कर संपत्ति बनाए जाने वालों के खिलाफ योगी सरकार का चाबुक लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली के गैंगस्टर एक्ट वांछित फैजान की 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। फैजान और उसकी पत्नी जेवा फैजान गैंग बनाकर अवैध तरीके से अर्जित धन को जिन संपत्तियों में लगाते रहे हैं उन्हें कुर्क किया गया है। सीओ सदर वंदना सिंह ने बताया कि घंटाघर इलाके में बिल्डिंग नंबर 9, 11 और 13 जिनमें दर्जनों दुकानें हैं उन्हें सील किया गया है। 11 करोड़ 22 लाख की इन संपत्तियों के अलावा 8 लाख कीमत की एक कार भी कुर्क की गई है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा की मौजूदगी में सीओ सदर वंदना सिंह और कोतवाल राघवन सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कुर्की करने से पहले बाकायदा डुग्गी बजाकर वहां मौजूद लोगों को कार्यवाही से अवगत कराया गया। ये कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत था, जिसके अंतर्गत जो भू माफिया बिल्डर हैं फैजान और उनकी पत्नी जेबा, जो एक गैंग बना करके काम करते थे और उनके द्वारा अवैध तरीके से जो अर्जित की गई संपत्ति थी भवन संख्या 9, 11 और 13, उनको 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। इसकी जो बाजार कीमत है वो लगभग 11 करोड़ 22 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त एक कार भी कुर्क की जा रही है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। अब कितनी बिल्डिंगें हैं जिनको सीज करना है? 3 भवन है जिनको सीज किया जा रहा है। ठीक।